अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी दो दिन के दौरे पर भारत में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करेंगे द्विपक्षीय बातचीत। दोनों देशों के बीच व्यापार और रक्षा संबंधों को मजबूती देने पर होगा जोर। तमिलनाडु के लिए कावेरी का पानी छोड़ने के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय का आदेश मानेगा कर्नाटक। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक और तमिलनाडु की जनता से शांति बनाए रखने की अपील की। सूचना और प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने मीडिया से कावेरी मामले की रिपोर्टिंग के दौरान संयम बरतने की अपील की। डेंगू और चिकनगुनिया के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा करेंगे समीक्षा बैठक। केंद्र ने दिल्ली को हर संभव सहायता का दिया भरोसा। रक्षा मंत्रालय ने 2008 के एम्ब्रेयर एयरक्राफ्ट सौदा मामले में घुसखोरी के आरोपों के लिए सीबीआई को जांच के लिए कहा। कल डीआरडीओ प्रमुख ने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को सौदे के बारे में दी थी जानकारी। डीआरडीओ ने इस मामले में ब्राजील की कंपनी से मांगा है जवाब। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी में मतभेद उभरे। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव से महत्वपूर्ण मंत्रालय छीने। शिवपाल के करीबी माने जाने वाले राज्य के मुख्य सचिव को भी हटाया गया। तीसरा ब्रिक्स शहरीकरण सम्मेलन आज आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू और अन्य कई गणमान्य व्यक्ति करेंगे शिरकत। ब्रिक्स देशों यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के शिष्टमंडल इस सम्मेलन में उत्पादकता बढ़ाने, शहरों के लिए अलग वित्त प्रणाली बनाने और रोजगार के अवसर सृजित करने पर चर्चा करेंगे। तीन दिवसीय सम्मेलन के दौरान होने वाले विचार विमर्श और चर्चा के आधार पर वाइजैग घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। कॉमेडियन कपिल शर्मा की मुसीबत बढ़ सकती है। गोरेगांव के डीएलएच इंक्लेव की 9वीं मंजिल पर स्थित कॉमेडियन के फ्लैट को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है। अभय जगताप नाम के एक इंजीनियर ने फ्लैट ओनर्स के साथ साथ बिल्डर के खिलाफ महाराष्ट्र रीजनल टाउन प्लानिंग एक्ट 1966 के सेक्शन 53 के तहत केस दर्ज कराया है। इस सेक्शन के तहत सजा का प्रावधान है। सरकार दालों की कीमतों को कम करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। हाल ही में दालों के बफर स्टॉक को 8 लाख टन से 20 लाख टन करने का फैसला लिया गया है। उपभोक्ता मामलों के सचिव हेम पांडे जमाखोरी को रोकने के लिए कृषि मंडियों का दौरा भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज वो अहमदनगर की कृषि मंडी का जायजा ले रहे हैं। गौरतलब है कि सरकार की तरफ से दाल के एमएसपी बढ़ाने के बाद किसानों ने दलहनी फसलों को उगाने में अधिक रुचि दिखाई है। देश में 40 इकोनॉमिक कॉरिडोर्स पर सरकार की 21,000 किलोमीटर सड़क निर्माण की योजना। 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश, 14,000 किलोमीटर फीडर सड़कों के निर्माण का भी प्रस्ताव। कैबिनेट की जल्द मिल सकती है मंजूरी। वैश्विक पेंशन फंड्स की अब भारत के सड़कों के विकास में दिखी रुचि। एनएचआई को राजमार्गों में निवेश के लिए 30,000 करोड़ के सस्ते कर्ज की पेशकश। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बयान। ईपीएफओ भी देगा 10,000 करोड़। मंत्रालय जारी कर सकता है 70,000 करोड़ के टैक्स फ्री बॉन्ड्स। देश में रोजगार सृजन के सर्वे के स्वरूप को बदलने की तैयारी। 8 की जगह अब 18 सेक्टर्स में किया जाएगा एम्प्लॉयमेंट सर्वे। सर्विस सेक्टर को भी जोड़ने की तैयारी। नया तिमाही सर्वे इस माह जारी होने की उम्मीद। फूड प्रोसेसिंग और वेयरहाउसिंग जैसे क्षेत्रों को भी शामिल किया जाएगा इस बार। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन के समर्थन में आए सामने। बीमारी से जूझ रही हैं हिलेरी। रिपब्लिकन पार्टी उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के विवादास्पद टिप्पणियों की आलोचना की। भारत के देवेंद्र झाझरिया ने रियो पैरालंपिक में भाला फेंक स्पर्धा में जीता स्वर्ण पदक। 63.97 मीटर भाला फेंक कर तोड़ा अपना ही विश्व रिकॉर्ड। वर्ष 2004 के एथेंस खेलों के बाद झाझरिया का पैरालंपिक खेलों में दूसरा स्वर्ण पदक। पीएम मोदी ने झाझरिया को दी बधाई। देश भर में ओणम की धूम। हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है ओणम का त्योहार। खेतों में फसल की उपज की खुशी में मनाया जाता है ओणम। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी ओणम की बधाई। आज हिंदी दिवस है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा बनाने का फैसला किया था। तब से हिंदी ने एक लंबा सफर तय किया है।